एक बार फिर पहाड़ों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां पौड़ी जनपद के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बादल फटने की सूचना सामने आ रही है, तो वहीं टिहरी जिले में भी आपदा के हालात बन चुके हैं। चमोली रुद्रप्रयाग में कहां है सड़कें बंद, यह भी आपको बताएंगे। टिहरी जिले के सकलाना पट्टी के ग्राम पंचायत कुमलाड़ा, भरवा काटल और ग्राम पंचायत धोलीगिरी के सीतापुरी में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। यहां सरकारी गल्ला विक्रेता की दुकान में भरा हुआ राशन और एक मोटरसाइकिल मकान सहित नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया है। वहीं टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में चाचा भतीजा होटल के पास सड़क बंद है। सड़क बंद होने के कारण ट्रैफिक को आगरा खाल के पास रोका गया है। साथ ही टिहरी में सोंग नदी भी उफान पर है। सोंग नदी के उफान पर आने से इंटर कॉलेज रगड़गांव व मार्केट क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। वहीं 12 गांवों को जोड़ने वाला पुल भी सोंग नदी की भेंट चढ़ गया है। यहां नदी किनारे रहने वाले 3 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला कड़ाकोट और साड़केना गांव में बीती रात भारी बारिश होने के कारण आज सुबह से ही गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। यहां गदेरों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के घर खतरे की जद में बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कीर्तिनगर ब्लॉक के ही धारी ढूंसी क्षेत्र में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ तेज बहाव की जद में ग्रामीणों के खेत भी आ गए हैं। पौड़ी जनपद में भी देर रात बारिश के चलते विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत 3 मुख्य सड़क मार्ग स्टेट हाईवे 9 रूट में लक्ष्मण झूला, दुगड्डा और धुमाकोट व नीलकंठ मोटर मार्ग और नालीखार पोखरी खेत मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानीय संपर्क मार्ग भी जगह जगह अवरुद्ध होने की सूचना है। लोक निर्माण विभाग खंड दुगड्डा द्वारा उपरोक्त मुख्य सड़क मार्गों को खोलने के लिए गट्टू घाट, पोखाल और गड़ूर चट्टी में जेसीबी तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त 2 और जेसीबी भी तैनात की जा रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहां केदारनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग तहसील के पास बंद हो गया है, जिसके कारण दोनों ओर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहें दी यूके पीडिया के साथ। ये देखिए रानी पोखरी का फ्लाईओवर रोड का क्या हालात हो गए हैं।